दिन तो मोहलत का के मत राख, आज तो खुशी को दिन है। आज का ही तो मोहलत का राख होते ना। कैसे आज खुशी का दिन? अरे कैसे का मेला देखने में जाएगा आज? और पूनम और सब्बू भी राजी है गई हमारे संग मेला देखने को। उनके संग मेला में झूमेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। वो राजी तो कर लिए थे ना, तेरी जेब में इतना दम है जो उन्हें मेला घुमा सके। इतना पैसा है तो पे? और तू पहले मुझे यह बात बता, तेरे पूनम तो कहीं कहीं का भज्जी के संग मेला देखने चलेगी? मेरे पापा वैसे मुझे इतने पैसा ना देने, मैं अपना ही मेला ढंग के ना देख पाऊँ तो जब दिखाऊंगा। तो तू मुझे पहले बता दे तो यह बात तेने पूछी मोते है। यह बात बता, तेने मुझे पूछी के पूनम से मैं कह दूँ के भज्जी के संग मेला देखने चलियो? ए अब तो मैंने उनसे कह दी, अब तो वो तैयार है के आने वाली भी होंगी यहाँ पे। आने वाली भी होंगी यहाँ पे? ले आ गई। ए, क्या बात है पूनम और सबो, आज तो है, आज तो अलग ही दिख रही है। कहाँ जा रही हो? कैसा कहीं की शादी वादी में जा रही हो का? तो ना पता कहीं घूम सब घस के आए ना। अब देख रही है पूनम भज्जी है, अब कर रहा भज्जी मूड खराब। तूने नहीं कहा था धनुआ से तैयार होकर जल्दी आ जाओ, हम मेला देखने चलेंगे। अच्छी है। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं नहीं कही। ए, तुम तो अभी ऐसी बैठे हो, तुम कब तैयार हो गए? जल्दी तैयार है जाओ। हाँ है रहे अभी है रहे, बैठ तुम, मैं भी अभी तैयार है के आऊँ और तुम भी है लो तैयार। हाँ। ए, क्या बात है भज्जी की मम्मी, आज तो सुबह ही है, लिपस्टिक लगा के बैठी है, नए कपड़े, क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी है? तुम्हें नहीं पता कहाँ जाने की तैयारी मेरी ना? आज का मेला नहीं है, मेला दिखाने नहीं ले जाओगे मेरे को? कहाँ जाने की तैयारी है रही है, कहाँ जाने की तैयारी ना है रही, पता थोड़ी है तुम्हें आज का मेला है। अच्छा समझ गो। तो यही हमारे टाइम से तैयार है के बैठ गई है, चलेंगे मेला देखने। कैसी बात कर रही है तू, पर इतनी जल्दी है? अभी तुम्हें कुछ ना होगा। कुछ हो वहाँ या ना हो, टाइम से तैयार है के बैठ जाओ तुम भी। हाँ है जाऊंगो तैयार, है जाऊंगो। कैसी बात कर रही है तू? ए मम्मी कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बढ़िया लग रहा बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे कहाँ जा रहे हो नवाबजादे, यू तो बता दो है कहाँ जा रहे हो? अब देख रही मम्मी तुम पापा ने देख रही हो, कर रहे मूड खराब मेरा। अब इन्हें पता थोड़ी है कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ ना जाऊंगा, मेला देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इन नए कपड़े पहन और का। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है पापा के हर कहीं यूं ऐसे ही कच्चा बलियान में पहुंच जाओ है, हमारी थोड़ी इज्जत है पापा। तुम कैसी बात करो, नए कपड़न में ना, नए कपड़न में ना, हमारी ना इज्जत हैगी पापा, तुम्हारी इज्जत हैगी। मैं वैसी इज्जत की बात ना कर रहा हूँ, मतलब मैं अच्छे कपड़ा पहन के जाऊंगा तो मेला में अच्छा भी लगूंगा। तो यही मारे मैं नए कपड़ा पहन के जा रहा हूँ। अब ऐसे कच्चा बलियान में पहुंच जाऊंगा तो कोई यूं ही समझेगा कि लंजू पंजू आदमी है। और पापा यहाँ में तुम्हारी तो इज्जत है, यह बात सोचो तुम्हारी तो इज्जत है यहाँ में। जब वो कोई देखेगा और यूं कहेगा वाह क्या लग रहा है लड़का इन कपड़न में, वाह कई अच्छे घराने से ये, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे दंगो। हाँ अभी इज्जत बनवा दूंगा। वाह कितना स्मार्ट लग रहा है लड़का इन कपड़न में। छोड़ो क्या हो गया, इसने नए कपड़े पहन लिए तो है, जान दो इन कपड़ों में, तुम धोते हो इन कपड़ों को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। छोड़ो मम्मी छोड़ो, लाओ पापा लाओ, फिर पैसा दे दो, मैं जाऊँ मेला देखने। हाँ ले दिए 100 रुपए। का कितने रुपए? 100 रुपए। पापा कौन से जमाने में खो रहे हो, यह बात तो बताओ तुम लोग, कौन से जमाने में खो रहे हो? 100 रुपए में मेला दिखता होगा ना, काय को दिखाएगा तेरा 100 रुपए में मेला, हम अपने जमाने में 5 रुपए में मेला देखे आवे, सुनी तेने? के रुपए में? 5 रुपए में? हाँ 5 रुपए में, 5 रुपए में मेला देख भी आवे और वहाँ में तो पैसा बचा भी लावे। बच भी आवे वहाँ में से? और ए पापा वहाँ टाइम पे तुम बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा कि हम 5 रुपए में मेला देख आवे, पर ऐसा ना होगा। तुम्हारे पापा का ही दुकान पे ले जाते होंगे और 5 रुपए की चीज दबा देते होंगे तुमको और कह देते होंगे ले बेटा देख लिया मेला तेने, और तुम्हें लगता होगा कि हाँ देख लिया मेला। तुम वहाँ टाइम पे बहुत बहुत छोटे होंगे, तुम्हें मेला वेला की कुछ जानकारी ना होगी, मेला कैसे होकर है और दुकान कैसी होकर है, तुम दुकान को ही मेला समझते होंगे। बाबा तुम्हें कहीं परचूने की दुकान पे ले जाते होंगे 5-6 रुपए की टॉफी वॉफी दबा के ले बेटा खा लिया टॉफी, देख लिया मेला तेने, देख लिया मेला, ऐसे बहला फुसला देते होंगे तुमको बाबा। ज्यादा या मोहे मत बजा, हमें थोड़ी जानकारी, हम कैसे मेला देख के आवे, कैसे मेला देख के आवे, बताइए फिर का का देखे तुम मेला में? सब कुछ देखे हम मेला में, सब कुछ 5 रुपए में सब कुछ देख ले भाई। का सब कुछ का नाम भी तो होगा, का का देखे का का खावे। देख मेला में जाकर समय पहले ले भाई, हम जलेबी 1 रुपए की, 1 रुपए की जलेबी ले भाई, 1 किलो जलेबी आवे 1 रुपए की, हाँ और पेट भर के खावे। और 30-30, 40-40 पैसा में झूला में झूल ले भाई, और जब थोड़ी देर बाद दोबारा खाना पच जावे ना फिर जलेबी ले भाई, फिर खावे 1 रुपए की जलेबी, और 1-1.5 रुपए फिर भी बचा लावे हम 5 रुपए में से। जरूर
120 रुपए किलो तो जलेबी मिल लेंगे अब। खाया भाई तुम 1 रुपए में 1 किलो जलेबी, और अब 100-100 रुपए की टिकट है झूलन की, तुम झूले आवे पैसा पैसन में। पापा पहले जमाना कुछ और है और अब जमाना कुछ और है, मुग 5,000 रुपए चाहिए है, पूरे 5,000 रुपए मेला देखने को। 100-100 रुपए में मेला देख रहा है, 100-100 रुपए का तेल ही गिर जाएगा बाइक में। दोबारा बताओ कितने रुपए चाहिए तुमको? 5,000। तो कोई खट्टा मेला दिखा दूंगा, सुनी तो कोई खट्टा मेला दिखा दूंगा, दे दूंगा तुमको अभी 5,000। 100 रुपए ले दिए लेने हो तो, नहीं नहीं कोई बात ही ना, 100 रुपए लेने हो तो बता दिए और चलो दियो मेला देखने, नहीं दोबारा कीमत दिए मुझे पैसे की। अब देख रही है मम्मी, देख रही है तुम, अब देख रही है पापा ने, 100 रुपए में मेला देखे मम्मी, तुम्हें बताइए यह बात है, 100 रुपए में मेला देखे कोई? हम 5 रुपए में मेला देखे आवे, तेरा 100 रुपए में मेला ना दिखेगा? हाँ ना दिखेगा हमारा 100 रुपए में मेला। 3,000-3,500 को तोड़ने वाला हेलीकॉप्टर ही आएगा, वो लाना मुझको, और 2-3 हजार रुपए खाने पीने में खर्च है जाएंगे, 5,000 रुपए लग जाएंगे मेला देखने में। और तुम पता ना कैसी बात कर रहे हो, 100-100 रुपए में मेला देखिए, 100 रुपए में मेला देखिए, 100 रुपए में मेला दिख जाएगा है? लेने हो ले लिए 100 रुपए, नहीं तो कोई बात ना, सुनी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलना रहो भज्जी, चलना रहो, पूनम नंबर सब कब तक वेट कर रही है तेरो? उनके कहते घर जाओ अपने भज्जी नजारा मेला देखने। ए ए का है गो, कैसे कैसे गुस्सा है रो? का है गो, तू बता पहले यह बात है, तेरे पापा ने तुझको कितने रुपए दिए मेला दिखाने को? 500। लो सुन ली, 500 रुपए दिए आगे पापा ने, 500 रुपए जब किया गया पापा, महीना में 10,000 रुपए कमाने, और तुम महीना के लाखों रुपए कमा लो फिर भी तुम लोग 100 रुपए दे रहे हो, ये भी कोई बात है? बिल्कुल बिल्कुल बीच बन लिया तुम। 100 रुपए दे रहे? हाँ 100 रुपए दे रहे, यो कह रहे 100 रुपए ले जाने हो तो ले जियो, नहीं नहीं मोते मत मांगे पैसा। ए अंकल 100 रुपए का मेला दिखे है? 100 रुपए में? 100 रुपए की बात कर रहा, अपने जमाने में 5 रुपए में मेला देखे आवे हमारे पापा। 5 रुपए में? हाँ 5 रुपए में, तेरे पापा ने देखो कभी 5 रुपए में मेला? हमारे पापा देखे आवे, हमारे पापा 5 रुपए में मेला, और 1 रुपए की 1 किलो जलेबी खावे हमारे पापा, और फिर पूरे मेला में जितने भी झूला लगे सबन पे झूले हमारे पापा, सबन पे, फिर खाना पच जावे और फिर ले लेवे 1 रुपए की जलेबी 1 किलो, और यू तो देख 5 रुपए में तो फिर भी 1-1.5 रुपए बचा लावे हमारे पापा। हाँ तेरे पापा ने करवाया ऐसा काम? मुझे ना पता। ए रहने दे करो पापा, तुम रहने दे करो, साफ साफ मना कर दो, जब पैसा ना देने तो ऐसी झूठी मूठी कहानी काई को सुना रहे हो हमको। ए धनवा तू लग रहा है 5-5 रुपए में मेला देख आएगा कोई आदमी? 5 रुपए में? मुँह तो 500 रुपए में ना लग रहा, मैं 500 रुपए में मेला देख आऊंगा। अब बताओ क्या बताऊँ, है झूठ लग रही है तुमको, मेरी बात है झूठ लग रही है, हम 5 रुपए में मेला देख के ही आवे, सुनी। चलो मान ली मैंने तुम 5 रुपए में मेला देख आते होंगे, पर मुझको 5,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए मुझको जब जाएंगे मेला देखने। ए पापा एक साल में आवे मेला, तुम पता ना कैसी कैसी बात करो, 100 रुपए लेगा 100 रुपए ना लेगा, 100 रुपए में मेला दिखेगा कोई है? हाँ तेरा तो 10,000 में मेला दिखेगा। चलो फिर सीधा सीधा हिसाब लगा लो, तुम 5 रुपए में मेला देख आवे? हाँ 5 रुपए में मेला देख आवे, और हर एक झूला पे झूली आवे 5 रुपए में, और जलेबी भी खाई आवे 2 बार है, और का तो तुम्हारे पापा तुमको वही साल के पैसा देवे जो तुम 5 रुपए में मेला देख आओ है नी, हर का झूला पे झूली आओ और जलेबी भी खाया आओ है नी, ऐसी ऐसी है ना? हाँ तो फिर तुम मुझको भी ऐसे ही पैसा दे दो, कैसी कैसी बात है मम्मी? हाँ हाँ बेटा सही कह रहा, तू सही कह रहा। अब बता मंजूर है तुमको? हाँ ठीक है मंजूर है। पहले मम्मी की कसम खाओ, तुम दोगे वही हिसाब से पैसा? हाँ तेरी मम्मी की कसम, मैं तुमको वही हिसाब से पैसा दूंगा जैसे मेरे पापा देवे गए मुझको। हाँ यू ही ना बात, अब ठीक है। अब देखो तुमने खाई पहले 1 किलो जलेबी, तुम्हें मिले 1 रुपए की, अब मिलेंगे 120 रुपए की, 120 रुपए यू है। चल चल ठीक है, फिर तुम मेला पे हर एक झूला पे झूले है नी, तो अब मेला में कम से कम 30 झूला है, और 300 झूला की टिकट है कम से कम 100 रुपए, और 3,000 यू है गए, और फिर मैं 300 झूलन पे झूल के फिर मेरा खाना पीना पच जाएगा जो 120 रुपए को मैं खाऊंगा, फिर मैं भी 120 रुपए को दोबारा खाऊंगा कुछ। जैसे तुम झूला पे झूलने के बाद खाना पच जाएगा, जब तुम दोबारा 1 किलो जलेबी ले गए ऐसे ही मैं दोबारा 120 रुपए को कुछ खाऊंगा, तो टोटल 3,240 रुपए है गए। लाओ निकाल दो तेरे पे। अब पापा तुमने हाँ मम्मी की कसम भी खा ली है, 3,240 रुपए दे दो मुझको हाँ तुरंत ही। अब इतने देने पड़ेंगे? और का, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे जमाने में 5 रुपए दे गए, तो वही हिसाब से मेरे 3,240 रुपए बैठ रहे, तो उतने दो अब तुम भी मुझको, और अब तो तुमने मम्मी की कसम भी खा ली है, अब तो देने पड़ेंगे तुमको, और तुम मम्मी से भी बहुत प्यार करो, फिर तो तुम जरूर इतने रुपए दोगे, हाँ पूरे दोगे, 1 रुपए कम ना दोगे फिर तुम, हाँ मोए पूरी पता तुम्हारी। ला ला फिर जल्दी ला। चल चल ठीक है ले लीजिए। ठीक है ठीक है।
वो तो ठीक है धनु, मेला में 100 झूला ना लगे, नहीं नहीं तो 10,000 रुपया तो ऐसे ही बन जाते मेरे। हाँ सही सही कह रहा बिल्कुल तू। एक कैसे पापा कक्षा में तिजोरी रख रखी है तुमने, जो झड़ी 3,240 रुपया लेकर के दे दी। अब ले रो ना ले रो। हाँ हाँ बहुत चालाक है यू छोरा, बहुत चालाक है। और का तुम यही समझ रही हो मेला। धनिया झूला वो लगाया बाहर में, सब में पहले ओयो के रेट लेने, पूनम और सब बोए ओयो में ले चलेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ तो बिल्कुल। मेला बाद में दिखाएंगे उन्हें, सब में पहले अपना काम करना हो, सही है। हाँ हाँ सही है।